सब्सक्राइब करें देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। जब स्थिति गर्भ स्थिति हो उस समय सिर्फ देवियों को रामायण का पाठ करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकेंगे मैं यकीन के साथ कहता हूँ आने वाली पीढ़ी आपकी बड़ी ही सुंदर होगी, हितकारी होगी और आने वाली पीढ़ी मेरे ठाकुर की पूजा करने वाली होगी, मेरे गोविंद की पूजा करने वाली। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम अपने धर्म के लिए क्या करके जाएं? एक ही प्रार्थना है, कौन कौन कुछ करना चाहता है धर्म के लिए? हाथ उठा के बताओ जो जो धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहते हो पक्का? आने वाली पीढ़ी को भगवान का भक्त बना जाओ, इतना उपकार कर दो। आपके और मेरे जाने के बाद इस दुनिया में से मेरे घर में भगवान की पूजा चालू रहे, चलती रहे, होती रहे, सिर्फ इतना ही उपकार आपका आपके धर्म के ऊपर बहुत बड़ा होगा। इतना सा काम कर दो, आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी, नेक्स्ट पीढ़ी, न्यू जनरेशन गॉड पर यकीन फेथ करने वाली हो, उनकी पूजा करने वाली हो, ये आपके आज सबसे बड़ा उपकार हमारे भारत पे होगा, सनातन धर्म पे होगा। इतना बड़ा काम कौन कौन करेगा? कोशिश करोगे? हम लोग कोशिश कर सकते हैं, आगे उसके भी कर्म उसके साथ देंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आत्मदेव ने कोशिश की, अपनी पत्नी को फल दिया, लेकिन कुसंग बहुत बुरी चीज है। फिर से सुन लें, व्यक्ति गलत संग में पड़कर अपना सर्वनाश करता है। आत्मदेव ने फल लिया, उनकी पत्नी धुंधली ने वो फल खाया नहीं अपितु वो फल गाय को खिला दिया। ये प्रसंग आपको पता है, कई बार सुनाया है, लेकिन नए लोग बैठे हैं यहां पर जो कथा पहली बार सुन रहे उनको सुना रहा हूं। उनकी बहन ने गलत संगत दे दी, गलत विचार दे दिए, ये फल का पता नहीं बाबा जी ने क्या मिलाया है, ये फल तू मत खा, ये फल गाय को खिला दे, मैं भी गर्भ से हूं, जो संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी। और वो बात मान ली धुंधली ने, ये बात धुंधली ने मान ली, फल खिला दिया गाय को, और उसके जो संतान हुई वो खुद ने पाली, उसका नाम रख दिया धुंधकारी। क्या नाम रखा? और हमारे ब्रज में कहावत है पूत के पाम, बचपन से ही बड़ा खतरनाक था धुंधकारी। जो बच्चे ज्यादा फाइट वाइट करें ना तो माँ बाप को उम्मीद छोड़ देनी चाहिए बच्चों से कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। जो अभी से फाइट कर रहा है वो आगे जाके राइट नहीं करेगा, याद रखो। और इसीलिए बच्चों को, आजकल के बच्चों को अपने माँ बाप का संग अच्छा नहीं लगता है अपितु फ्रेंड्स का संग अच्छा लगता है। ईमानदारी से जवाब दो, माँ बाप का संग अच्छा लगता है कि फ्रेंड्स का? जिन्हें बाहरी दुनिया अच्छी लगने लगे वो भीतरी दुनिया में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। हर एक जगह पर यह शब्द मायने रखता है, बाहरी दुनिया में जो मगन है वो भीतरी दुनिया से गायब है, चाहे वो संस्कार की हो, चाहे वो परंपराओं की हो, चाहे वो किसी और क्षेत्र में भी आप ले जाइए उसे, जो आपका मन करे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। धुंधकारी खेलने जाता है अपने संघ के बच्चों को, एक दिन तो उसने एक बच्चे का कंठ दबाया और कुएं में गोविंदाय नमो नमः, उसका कंठ दबाकर उसे कुएं में विदा कर दिया। बोलना ही पड़ेगा जोर से।